हेलो दोस्तों, स्वागत है गाइस गेमिंग ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। सभी भाइयों का रिक्वेस्ट था कि यार गेम प्ले डालने के लिए। ओके, तो चलो मैंने एक गेम प्ले रिकॉर्ड किया है 2v4 मेरे रूम पार्टनर के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं जॉर्जपुल, इरेंगल है। तो चलो देखते हैं पर जॉर्जपुल पर कैसे फाइट होता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर 2v4 की मतलब मैच खेल रहे हैं, और उसके बाद जो ऑटो मैचिंग है मैंने ऑफ कर दिया। और फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लेन पाथ है यहाँ पर गटका के स्टार्टिंग से यहाँ पर बना है। तो हम लोग सोचे यहाँ पर डिसाइड किए कि हम लोग जाएंगे यहाँ जॉर्जपुल पर और वहाँ से फाइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग जो देख सकते हैं लैंडिंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ उतरते समय एक स्कॉट जो कि 3 वेयरहाउस के सामने हमें दिखी। ओके, मेरे पास कुछ गन नहीं था, शायद पार्टनर के पास यहाँ पर कुछ गन उनको मिल गई थी। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट गन था, फिर देखा यहाँ पर कंटेनर साइड मुझे एक क्रॉसबो मिला। तो भैया कुछ ना होने से अच्छा है भाई, क्रॉसबो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो मैं तुरंत यहाँ पर क्रॉसबो लेके नीचे उतरा, यहाँ पर देखा कंटेनर में कुछ होगा कुछ नहीं। ओके, शायद उसके पास यहाँ पर कुछ गन आ गई थी। ओके, मैं यहाँ पर वेयर हाउस के जो नदी साइड आगे वाले कंटेनर पर है वहाँ पर जाने के लिए मैं दौड़ा। उसको बोला यहाँ पर गन उन है, तो उसने बोला नहीं एक गन है। तो फिर मैं यहाँ से जल्दी ऊपर चढ़ गया और फिर यहाँ पर गन देखा तो मुझे यार मिल नहीं रहा भैया, इधर बंदे तो बंदे मरे जा रहा। और तब तक यहाँ पर मेरा पार्टनर जो है वो मिनी से एक बंदे को यहाँ पर डाउन कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पर लेवल 2 का हेलमेट जल्दी से उठा लिया, और यहाँ पर मुझे बैग भी दिखाई दे रहा है, मैं जल्दी से बैग उठाऊँगा। बट भैया सबसे पहले गन उठाना ज़रूरी है। ओके, मैं यहाँ पर गन उठाया, उसके बाद मैं सीधा भागा अपने पार्टनर के यहाँ। ओके, यहाँ पर मैं भागा क्योंकि वो बोला था यहाँ पर आगे बंदे हैं, ठीक ना। तो मुझे इतना ज़रूर पता था कि हाँ यहाँ जो वेयर हाउस है वहां पर बंदे हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पर आगे बढ़ गया रश करने के लिए। ओके, बट रश तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा कवर फायर कवर में रह के यार जरूर कर सकते। मैं बंदे को यहाँ से स्पोर्ट करने की कोशिश किया, बंदे यहाँ पर मुझे दिखे तो नहीं। ओके, बट इतना जरूर पता था कि हाँ 3 वेयर हाउस के सामने ही बंदा है। ओके, मैं यहाँ से TPP लेने की कोशिश किया तो मुझे यहाँ पर जो बंदे हैं वो दिख गए। ओके, मैं जल्दी से यहाँ पर जो थॉम्सन वो यहाँ पर चलाने की कोशिश किया, एक बंदे को यहाँ पर नॉकआउट भी कर डाला। लेकिन कह सकते हैं ना भैया थर्ड पार्टी, अरे भाई थर्ड पार्टी ले लिया यार, खराब लगा, बहुत ही खराब। ये बंदे को लास्ट एक टैप करने वाला था, बट ये भाई भी बच गया। ओके, फाइनली इसको मैं दूसरी बार से यहाँ पर थॉम्सन से कर दिया नॉकआउट। भैया बहुत अखरा, पीछे साइड यहाँ पर एक और बंदा आ गया था भाई, मैं उसको भी मारने ही वाला था, बट थॉम्सन भाई धोखा दे दिया भाई, बहुत खराब लगा, बहुत ही ज़्यादा खराब लगा। पार्टनर को बोला भाई दे भाई कुछ गन है, तो बोला कि यार स्कारल है और उसके पास शायद मिनी था, तो मुझे यहाँ पर स्कारल जल्दी से दे दिया और मैं उसके लिए थॉम्सन गिरा दिया। और बट थॉम्सन में यहाँ पर कुछ था नहीं यार। ओके, तो थॉम्सन में एमो नहीं था, बट मुझे यहाँ पर पता था कि हाँ पिछले साइड जो है वो बंदे हैं, मैं क्या करूँ क्या नहीं भाई यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। ओके, पिछले साइड यहाँ पर जो नॉकआउट किया था वो बंदे यहाँ पर रिवाइव ज़रूर हो गए रहेंगे। ओके, तो फिर मैं उसको बोला कि थॉम्सन में अगर एमो नहीं है तो लो शॉटगन और मैं यहाँ पर एक यार से काम चला लूँगा। बंदे यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो दिखा था, ओके, मैं उसको यहाँ पर सर्च करने गया कि भाई वो गया कहाँ यार, एक सोलो बंदा था, उसको तो ईजिली मार ही सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बंदे हम लोग दोनों यहाँ पर आ गए वेयर हाउस के अंदर। तो यहाँ पर फाइनली मुझे एक एस्केस मिला, जो कि चलो अच्छी बात है भैया, कुछ ना होने से अच्छा है। ओके, उसमें कुछ था ही नहीं, तो मैं यहाँ पर एस्केस और स्कारल लेके आ गया। ओके, स्कारल लेके आ गया और फिर यहाँ पर पीछे बंदे लोगों को यहाँ पर देखने की कोशिश किया, भाई एक वो बंदा गया कहाँ यार, ये इसी साइड होना चाहिए। हमने जल्दी से पर सर्च किया भैया यहाँ पर हम लोगों को मिला ही नहीं भाई, अब क्या करेंगे। ओके, तो फिर हम लोग 3 वेयर यहाँ पर जो वेयर हाउस है उधर ही गए, तो यहाँ पर पता चला कि हाँ भाई इधर ही बंदा है, मतलब कि जो बंदा सोलो था वो इधर ही आ गया। तब तक मेरा पार्टनर बोला कि नहीं वो यहाँ पर इधर ही से आ रहे, तो एक को यहाँ पर डाउन कर दिया मैंने, और दूसरा जो उनके दोस्त थे वो भाई कहाँ गया गाइस। ओके, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं गाइस उनके पास कितने बंदे हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं है। ओके, मैं सोचा कि नहीं यार इसको कंफर्म कर देते हैं। फिर एक और फुट स्टेप आया, फायर की जो साइन है वो आई, तो पार्टनर बोला कि नहीं बंदा जो है वो मुझे लग रहा था वेयर हाउस के अंदर, तो उसने बोला कि नहीं वो कंटेनर के आगे जस्ट है वो बंदा। तो मैं सोचा ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर से जाने की कोशिश किया, ऊपर से यहाँ पर देखने की कोशिश किया, बट यहाँ पर मुझे दिखा नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर बोल रहा था कि भाई तू ओपन जा या फिर मैं ओपन, फिर देखते हैं, वैसे ही कुछ ट्राई करने की कोशिश की, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर अब हम क्या करेंगे,
जाएंगे। ओके, मैं थोड़ा सा पर देखा 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 भैया नहीं आ रहा है, फिर लेफ्ट से यहाँ पर जाने की कोशिश किया, बट एन वो भाई यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गेम साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। ओके भाई, मेरा कॉल आ गया, तो फाइनली एक सोलो जो यहाँ पर सोलो नहीं जो डुओ में से यहाँ पर एक को मार डाले, यानी कि ये नॉकआउट हुआ था, एक और जरूर बंदा बचा हुआ है। ओके अब क्या करेंगे, ऐसे वैसे हमारे पास यहाँ पर जो लूट है वो मिल चुकी थी। ओके उनको भी यहाँ पर थॉमसन का एमओ जो है वो भी मिल चुका था। मैं इस कारण लेके यहाँ पर भागा भाई, वो बंदा गया कहाँ, तो थोड़ा देर बाद यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर जब हम लोग लूट किए तो वो बंदा टावर के सामने है। यहाँ पर कुछ भी कोई भी बंदा नहीं था, टावर यहाँ जो देख सकते हैं पीछे साइड जो टावर है। ओके जो यहाँ पर हम लोग जो सिटी जाते हैं वह इधर पीछे वाला, तो मैं पीछे एक बंदा देखा तो शायद वो बोट था, बट मुझे लगा ना वो एक सोलो वही होगा, बट यहाँ पर जो मेरे टीममेट ने वो यहाँ पर मुझे जान बचा लिया। भाई साहब सच में मैं एक बोट को मारने गया था जबकि वो रियल बंदा नहीं था। ओके मेरे पीछे भाई टावर के पीछे यहाँ पर बंदा था, मेरा पार्टनर यहाँ पर जल्दी से इसको नॉकआउट कर दिया, मैं इसको कन्फर्म कर डाला। ओके अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर कन्फर्म इसको मार डालें और फाइनली एक बोट था उसको भी हम जल्दी से फिनिश कर दें, क्योंकि भाई लूट हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए, बट यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला हमें। ओके फाइनली एक उनका एक दोस्त यहाँ पर बचा हुआ है, अब क्या करेंगे भैया। ओके यहाँ पर हम बंदे देख रहे हैं, बंदे गया क्या। ओके एक और बोट मिला, इसको भी यहाँ पर हम करते हैं फिनिश और फिर यहाँ पर हम लूट कर रहे हैं। ओके फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें बग्गी मिला, बग्गी लेके यहाँ पर जाएंगे, बट यहाँ USG मिली तो USG हम लोग यहाँ पर चेंज कर लिए। रोजोक साइड यहाँ पर देखे कोई बंदा नहीं है गाइस, रोजोक साइड यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, स्कूल साइड भी यहाँ पर जाने की कोशिश की, तभी हमें एक दिखा ड्रॉप, तो हम बोले भाई चलो ड्रॉप जाया जाए। ओके ड्रॉप हम लोग यहाँ पर जैसे पहुँचे हम लोग उसे पीछे से भाई, ओ भाई एक स्कोर ने रस कर डाला, अब क्या करेंगे भैया, पीछा तो पीछा किया जा रहा है, अब क्या करेंगे, फायर पे फायर किया जा रहा है, अब प्लान बनाना पड़ेगा कैसे किया जाए। ओके थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पीछे थोड़ा सा यहाँ पर कवर पीछे साइड हटने की कोशिश किया, बट वो बंदा इधर भी आने की कोशिश कर रहा था, अब क्या करेंगे भैया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तब तभी फिर एक और राउंड यहाँ पर हम लोग जब घुमाए तब पता चला कि ये जो टीम है वो गई है गाइस ड्रॉप लूटने। ओके मैं यहाँ से भागने वाला था भैया, हम बोले भाई रुक जा। ओके पार्टनर को बोले हम भाई रुक जा, तुरंत यहाँ पर रुके और फिर यहाँ पर मैं स्प्रे करने की कोशिश किया भैया, हग दिया स्प्रे, सच में गंदा वाला स्प्रे था, बहुत गंदा वाला स्प्रे। ओके किसी को कनेक्ट नहीं कर पाया यार, बहुत खराब लगा। ओके इतनी हड़बड़ी में भैया जायरो भी, मैं थोड़ा सा मोबाइल नीचे पकड़ा हुआ था, बहुत खराब लगा। ओके फिर मैं यहाँ पर स्मोक किया गया भाई, मैं गाड़ी को भाई उड़ा देता हूँ भैया, ना मैं भी ब्लास्ट से कोई उड़ जाए, बट ब्लास्ट करते हुए मैं सामने यहाँ पर गया क्योंकि एक बंदा नीचे आ रहा था पेड़ के नीचे, इसको मारने की कोशिश, बट मैं सही समय में यार रिलोड कर दिया जबकि वो बंदा नॉकआउट हो जाता। कोई बात नहीं, एक और बंदा यहाँ पर आता है। ओके मैं सांप बना हुआ हूँ, मैं बंदे को यहाँ पर स्पोर्ट करने की कोशिश करूँ, एक और बंदा यहाँ पर नीचे आने की कोशिश, मैं उसको स्प्रे मारा भाई रेड डॉट का, भैया देख लो कितना गंदा वाला, बट फाइनली भाई मैं कनेक्ट कर लिया भाई साहब, सच में यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, दूसरे बंदा को भी यहाँ पर नॉकआउट किया, बट यार यहाँ पर भी किसी ने थर्ड पार्टी, बहुत खराब लगा। ओके एक किल मुझे मिला और एक किल मिलना चाहिए था, पीछे एक बंदा था गाइस उसको यहाँ पर मारने की कोशिश, लेकिन जो रोड साइड ना वहां पर बंदे थे भाई साहब, सच में यार खराब लगा। एक और बंदा देख लो, ये जो रेड वाला बंदा है, तीन बंदे को नॉकआउट किए, इसको मारने वाले थे भैया फिनिश, बताओ भाई इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। ओके बहुत खराब, यहाँ मुझे सिर्फ दो ही किल मिली। ओके जो रोड वाले बंदे थे वो हमें स्पोर्ट कर चुके थे, अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। ओके तो हम क्या किए कि थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड किए, कवर में रहें, और कवर में रहते हुए भाई फिर भी हमें पड़ रही थी, तो मैं सिंपल एक स्मोक था, हम बोले भाई स्मोक कर रहे हैं चल पीछे हटते हैं। ओके तो यहाँ पर हम लोग लूट जो भी था लूट तो नहीं कर पाए क्योंकि लूट करना कैरेट जो है वो आगे था, अब क्या करेंगे, स्मोक में यहाँ पर जल्दी से किया, मैं बोला पार्टनर को भाई चल थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे से हम बंदे को एस्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं, मे भी वहाँ से बंदे हमें दिख जाए। ओके जब मैं पीछे से किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट किया, तब तक देख रहे हैं जो भाई लोग हैं उन वो भाई तो नहीं बोलेंगे एनिमीज जो है, ओके बग्गी पर था उलूंग बग्गी, पार्टनर बोला भाई देखो सारे बंदे उनको बग्गी वाले हैं। ओके तो मैं सोचा कि चलो जाते जाते एक मार देते मे भी कनेक्ट हो जाए। ओके बग्गी वाला यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा था, मैं जल्दी से स्प्रे किया, कनेक्ट थोड़ा सा कर पाया दो बार। ओके बट यहाँ पर हुआ नहीं, और फाइनली इतना तो पता चल गया कि इनकी जो टीम है वो भाग चुकी है, तो हम बोले भाई अब कुछ लूट करना चाहिए भैया, सारे भाई
कोरोना में सारी स्थिति खराब हो चुकी है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से लूट किए, हमारे पास यहाँ पर अच्छी खासी जो लूट है वो यहाँ पर आ चुकी है। जून जो है वो भी आने आ रहा था, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर लूट किए। और फिर यहाँ जैसे यसनाया साइड हम लोग जैसे यहाँ पर जा रहे थे, तो तभी गाइस यहाँ पर जो प्लैंक हाउस है, यहाँ पर एक एस्कॉर्ट था और पता नहीं कोई टीम था, यहाँ पर देख सकते हैं फायर हो रहा था। मैं पार्टनर को बोला भैया रुक जा, ओके कुछ भी हाल में रुक जा। ओके, हम लोग तुरंत जल्दी से रुके, मैं थोड़ा सा पर पीछे हटा, बंदे यहाँ पर देख रहा हूँ गाइस कहाँ है कहाँ है। ओके, मुझे एक एक्सप्रेस भैया दोनों को मार डाले। ओके गाइस डाउन कर दे, अब क्या करेंगे भाई, मेरे को भी पड़ी, मैं जल्दी से सांप बना। पार्टनर भी यहाँ पर स्प्रे करने की कोशिश, तीसरा को डाउन भैया, ये जो लास्ट वाला बंदा था। ओके, मेरे पार्टनर को भाई क्या ही डैमेज दिया भाई, यहाँ पर मेरे को डैमेज दिया और दूसरी बार में मेरा पार्टनर भैया गया। ओ भाई अब क्या करेंगे, मैं हेल्थ लेने ही वाला था भैया, वो बोला मार रहा है। ओके भाई मैं फिनिश करने वाला, मतलब उसको फिनिश करने वाला था भैया, मैं सोचा ना। और यहाँ पर एक एस्कॉर्ट को भैया खा डाले, बहुत ही चिकन डिनर के करीब हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब हमारे पास लूट सही सही है, बट मेरे पास यहाँ पर जब मैं देखा तो भाई मेरे पास फर्स्ट एड नहीं था भाई, अब क्या करेंगे। ओके भाई हम बोले भाई चलो यहाँ पर जल्दी से जाते हैं, फर्स्ट एड कुछ भी है जल्दी से लूटते हैं यार। मैं यहाँ पर जल्दी से फर्स्ट एड सारा सामान, मेडकिट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पर मैं लूटा। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर मैं क्या किया कि भैया चलो अब निकलते हैं। ओके हम बोले चलो निकलते हैं, फिर यहाँ पर पकड़े और फिर देख रहे हैं जोन जो है वो रोजोक साइड बना है। बंदे यहाँ पर से स्पोर्ट करने की कोशिश किए, बट यहाँ पर हमें जो बंदा है वो यहाँ पर दिखा नहीं। ओके दिखा नहीं, और फिर देख सकते हैं यहाँ पर ओपन है, अब हम लोग कहाँ रुक सकते थे भाई। तभी देखे भैया एक टीम आ रही है ड्रॉप लूटने, अब क्या करेंगे गाइस यहाँ पर ड्रॉप लूटने समय, अब हम लोग क्या करेंगे भैया। वो बंदा हमारे ऊपर रश कर दिया, ओ भाई, लेकिन उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डर था कि पीछे जो रोजुक साइड जो हिल है, मतलब कि पुल के उस पर, वहां से बंदे मार रहे थे। ओ भाई अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब मैं तुरंत टाइम को देखा तो यहाँ पर मुझे ये पता चला कि भाई सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं हमारे पास समय, अब क्या करेंगे। ओके फाइनली हम लोग किसी तरह, मैं बोला कि ना हम लोग चलेंगे जोन पर। ओके अब मैं यहाँ पर पार किया गया पुल के उस पार, लेकिन तभी हमारे ऊपर यहाँ पर फायर हो रही थी। मैं यहाँ पर सोच लिया भैया कि नहीं, हम किसी भी हाल में जो है मैं पार कर दूंगा यहाँ पर। ओके मैं हम लोग फाइनली यहाँ पर जो हम लोग का गाड़ी था चार चक्का USG जहर वाले गाड़ी, हम लोग को यहाँ पर जरूर डैमेज देने की कोशिश की गई, बट ऐसा हुआ नहीं। हम लोग जल्दी से यहाँ पर पीछे लेफ्ट साइड में यहाँ पर फ्लैंक किया। ओके और उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर स्प्रे मारा, एक ओपी वाला स्प्रे। ओके और फिर एक को यहाँ पर डाउन कर दिया। ओके इसको यहाँ पर कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था तो, बट यहाँ पर पीछे साइड भी पड़ रही थी यार, सबसे बड़ा वाला दिक्कत यार। ओके मेरे दोस्त ने भी एक को डाउन कर दिया गुरोजा के साथ, बट तभी से यार रोजुक वाले कोई जहरीला आदमी भैया मेरे पार्टनर को डाउन कर दिया। मैं यहाँ पर स्प्रे करने की कोशिश किया, एक भाई ऐसा ही, मतलब कि मुझे लगा बंदा है, अब क्या करेंगे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। मेरे को पहले कब बची, क्योंकि हम मरे तो भाई गया। ओके अब क्या करेंगे, मैं सोचा यहाँ पर हेल्थ लूँ नहीं। ओके फिर हम सोचे नहीं भाई जल्दी से यहाँ पर स्मोक करते में भी हमारे दोस्त को यहाँ पर बचाया जा सकता है। ओके एक स्मोक किए, जल्दी से वो स्मोक यहाँ पर कुक हो गया और एक दूसरा स्मोक मैं जल्दी से किया, बट तभी अनफॉर्चुनेटली गाइस कह सकते हैं वो मैं उसको नहीं कर पाया। ओके बट यहाँ पर जो स्मोक था मुझे ये जरूर मदद मिला, मुझे हेल्थ लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार मिली इस हेल्थ से। और फिर फाइनली मैं यहाँ पर बूस्ट कर लिया और फिर तभी ये थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट साइड जो रीच है यहाँ पर मैं जाने की कोशिश किया। यहाँ मैं जैसे ही थोड़ा आगे लेफ्ट की ओर बढ़ूंगा, सोचा भाई मैं सोचा कि नहीं उधर ना जाए, यहाँ थोड़ा सा मैं लेट देता हूँ गाइस, सांप बनने से, सांप बनने की कला हमारे यहाँ भी है। ओके मैं यहाँ पर जैसे ही सांप बना भैया पीछे से एक आदमी आया, ओ भाई मैं इसका देख सकते कैसे स्पीड जा रहा था, ऐसा लग रहा था ये बंदा लेट खा रहा था कि क्या पता नहीं। एक बंदा को कन्फर्म कर डाला, अब उसके जो दूसरे साथी हैं वो भी जरूर आएंगे भैया, उसको भी ढूंढ डाले। ओके भाई इसको भी कन्फर्म। ओके अब हमारे पास 12 किल आ चुकी है, अब क्या करेंगे, आगे स्मोक है यानी कि पीछे बंदे हैं। यहाँ पर एक पीछे USG था, मैं USG की ओर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर सोचा कि नहीं यार नहीं जाते। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लूट किया। ओके मे बी मुझे ग्रेनेड शायद मेरे यहाँ था नहीं, तो मैं सोचा यार लूट करने से अच्छा है ना, मतलब कि ग्रेनेड मोली अगर कुछ मिल जाए तो अच्छा है। फिर फाइनली अब देख सकते हैं 5 बंदे अलाइव थे, मतलब टोटल 4 बंदे मेरे अलावा अलाइव थे। मैं यहाँ पर लूट करने के बाद
जैसे ही जोन के करीब करीब जाते गया, पता नहीं यहाँ पर मैं किल फीड ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर देख सकते हैं ओके, यहाँ पर पीपी से मारा गया था ना ओके, थ्री बंदे यहाँ पर अलावा कार 98 भी था भाई किसके किसके पास ओके। मुझे तो भैया टेंशन था कि बंदे मुझे जोन कैसे जाना ओके, मुझे पता नहीं भाई बंदे किधर है, थोड़ा सा भी अंदाजा था नहीं ओके। मुझे इतना पता था लेफ्ट साइड शायद बंदे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं भैया कैंपिंग वाले बंदे ब्रिज वाले हो सकते हैं। तब अचानक जब मैं अलाइव पर देखा तो देख सकते सिर्फ दो ही बंदे बचे हैं, तो तब मुझे लगा कि यार हाँ अब कुछ किया जा सकता है ओके। फाइनल भाई मैं कवर में रहते रहते भैया बंदे को पता ही नहीं भाई वो बंदा गया कहाँ था यार, सच में भैया गया कहाँ भैया। यहाँ पर मैं हेल्थ फेल्थ सारा बूस्ट मार लिया भैया, क्या भरोसा कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पर दो ग्रेनेड ओके, दो ग्रेनेड आगे लेफ्ट साइड थोड़ा सा देख सकते हैं, वहां अगर सांप बना हुआ होगा तो मैं सोचा कि वहां मार देते हैं ओके। बट मैं समय टाइमिंग देखा और टाइमिंग देखते हुए गाइस मैं एक स्मोक कर दिया, यानी कि जैसे ही जोन स्टार्टिंग हुआ है ना, जैसे ही जोन स्टार्टिंग हुआ मैं सोचा कि यहाँ पर उस कवर में मतलब कि स्मोक के कवर में आया जाए। भाई साहब एक मुझे लगा कि वो बंदा उधर ही होगा ब्रिज के उस पार छोटे से जो कवर में है, जो पीछे वाला कवर होता है ना वहाँ, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं लगा, मैं भी हो सकता है नहीं हो सकता है। तो मैं एक स्मोक किया, मेरे पास 20 सेकंड था, जैसे ही स्मोक कुक हुआ मैं यहाँ से भागा ओके। ये जो आगे पेड़ है उस आगे पेड़ की ओर भागा, मैं यहाँ पेड़ की ओर पहुंचा मेरे भाई, यस पेड़ की ओर पहुंचा। यहाँ पर देखने की कोशिश, बंदे भाई दिख ही नहीं भाई, या कहाँ सांप बना है क्या नहीं कुछ भी पता नहीं ओके। मैं लेफ्ट से यहाँ पर पूरा गया, अब मैं सोचा कि लेफ्ट से यहाँ पर फ्लैंक करते हुए जाऊं, तभी भैया यहाँ पर देख सकते हैं भाई कैसे बैठा हुआ जालिम आदमी, और फाइनली यहाँ पर हंटर क्या कुछ नाम था भैया, मार डाले M4। यस गाइस, और फाइनली हमारे पास आ चुकी है गाइस चीका ना चिकन डिनारा डिनर ओ भाई, और फाइनली डुओ वी स्क्वाड में हम लोग कर डाले हैं गाइस चिकन डिनर, जो कि यहाँ पर मेरे पास 13 किल था, अच्छी किल है भैया, कोशिश जरूर अच्छी थी। ये मेरा पहला गेम प्ले था भाई लोग, आप लोग रिक्वेस्ट किए थे तो मैं यार कोशिश किया मैं अपना बेस्ट देने के लिए, और इससे भी और अच्छे वीडियो आएंगे धीरे धीरे ओके। तो गाइस जो भी यार इस वीडियो को देखे अगर अच्छा लगा तो यार प्लीज़ लाइक कर देना मेरे भाई ओके, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से और भी मस्त वाले वीडियो मैं लाते रहूँगा। और हाँ भाई, जिसको भी कस्टम रूम खेलना है वो हमारे ओके 7:30 बजे होता है एवरीडे, कस्टम रूम 7 बजे से स्टार्टिंग हो जाता है, आप ज़रूर हमारे कस्टम रूम में आ सकते हैं। और Tier 3 रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्कॉर्ड पर होता है एवरीडे 2 बजे Tier 3 का रजिस्ट्रेशन होता है, और एक 2:05 में होता है ओके। एक जो ये होता है रूम Tier 3 का वो 6 बजे होता है, और दूसरा रूम 7 बजे होता है ओके। तो चलो गाइस हम लोग फिर मिलते हैं स्ट्रीम में, ये वीडियो बस इसी के लिए था, अच्छा लगा तो जरूर यार शेयर कर देना, और थैंक यू सो मच गाइस जो भी बंदे इस वीडियो को देखे ओके। तो चलो गाइस बाय, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, अच्छा से रहो और बाय। We'll be right back.